इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने मित्र पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर दी है। दुष्कर्म का मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। यह क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि धीरज दुबे नामक युवक ने पहले उससे मित्रता की। मित्र बनने के बाद उसने महिला से शादी का प्रस्ताव रखा और उसी बहाने लगातार महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा। जब महिला द्वारा शादी करने का कहा तो आनाकानी करने लगा। इसके बाद महिला परेशान होकर थाने पहुंची और युवक धीरज दुबे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। कल एक महिला फरियादी द्वारा थाने बाणगंगा पर आकर रिपोर्ट की गई है कि एक धीरज दुबे नाम के व्यक्ति से उसकी मित्रता हुई थी और धीरज दुबे नाम के व्यक्ति ने उससे शादी का आश्वासन दिया और उससे मित्रता की। धीरे धीरे मित्रता के बहाने उसने उसके साथ संबंध स्थापित कर लिए और जब लड़की ने शादी करने की बात कही तो अब उसके द्वारा शादी से इनकार किया जा रहा है। इस पर से थाना बाणगंगा में आरोपी के विरुद्ध बलात्कार का केस रजिस्टर्ड किया गया है और संबंधित आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, कुछ वीडियो वायरल करने और फोटो शेयर करने की भी बात सामने आई सर? ऐसा महिला पीड़िता जो है उसके द्वारा ऐसा कहा गया है। अब चूंकि ये सारी चीज़ें आरोपी के पास होना बता रही है वो, तो जब आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे इन सब चीज़ों के बारे में पूछताछ की जाएगी।